जी मैं यही कहूंगा कि जयदेव जी मुझे कल के कलाकार, तो उनका एक कंपटीशन हुआ, तो मुझे मुझे सुरेश पाटकर रानी वर्मा को हमको हमें वी वर द विनर्स बेसिकली। तो जयदेव जी वहाँ जज थे, तो मिले तो बोला बेटा तुम आओ, अच्छा अच्छा मतलब गाते हो। तो मैं गया और फिर अच्छा जयदेव जी कैसे हैं, मतलब जैसे हमारे घर पे कोई बुजुर्ग है, इतने सॉफ्ट हैं एंड इतने बहुत प्यार वाले इंसान हैं। और ही टुक अ लाइकिंग टू मी बेसिकली कि क्लासिकल सीखा है, इसको करना है करके। और मेरे मेरे माय फादर वाज आल्सो म्यूजिशियन, बट आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो उसके बाद मम्मी के बारे में, मम्मी से मिला वो, उन्होंने कहा शी इज एन आर्टिस्ट। सो बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये लड़का कुछ काम करना चाहता है। एंड यू नो ही गेव मी सो मच केयर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गवाए, उन्होंने मुझे लाइट म्यूजिक ईडियम क्या है, इसको कंपोज कैसे करते हैं, इन्होंने मतलब मैं तो था ही वहां पे उनके, और फिर मैं ऑब्जर्व करता था कैसे कटिंग करते हैं, कैसे लिरिक्स, किस तरीके से वो यू प्रोग्रेस, यू मेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द लिरिक्स, देन द लिरिक्स कम्स टू यू एंड द लिरिक्स गोज इनसाइड यू एंड द ट्यून कम्स टू फॉर द लिरिक्स। ये है एक जो किस तरीके से, किस किस टेक्निक से आप उस चीज को, कभी कभार क्या होता है कि 10 बार मुकड़ा पढ़ने से यू स्टार्ट गेटिंग अ ट्यून इन योर माइंड। इट्स अ स्मॉल टेक्निक्स है, दैट्स अ वेरी स्मॉल टेक्निक्स, हाउ डू यू एनर्जाइज योरसेल्फ, ये सब सीखा हमसे। और लाइफ के बारे में इतने कंटेंटेड सिंपल शख्स, मतलब ही वाज अ योगी काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो लाइक फकीर। उन्होंने कहा कि हरी अच्छा गाओ, अपने आप को इतना अच्छा करो कि लोग आएंगे आपसे गवाने के लिए। व्हाट अ लोडेड स्टेटमेंट, अपने आप को अच्छा करो, इधर उधर मत घूमो। तो उन्होंने फिर कहा कि उर्दू सीखो, तो उन्होंने मुझे चांद बाला, हमारे उर्दू टीचर, उनसे मैं सीखने लगा। द टाइमिंग वॉज सो राइट, तो राइट टाइम में राइट एडवाइस मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ही इज वन ऑफ द पेरेंट फिगर ऑफ माई करियर, लाइक उस्ताद जी, उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, जयदेव जी, उन्होंने मुझे बहुत गवाया फिल्मों में, भजन गजल सब सब उन्होंने गवाया, और मुझे कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, कॉन्फिडेंस जो है ना, तो एक फुटहोल्ड मिला मुझे, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि चलो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे हेल्प किया, मतलब। एंड वो जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ जयदेव जी के,